1 दिसंबर 2021 मोमोडन स्पोर्टिंग क्लब के जानिब से जश्न फतेह समारोह मनाया गया। आइए देखते हैं आगे की वीडियो। राज्य क्रीड़ार जो जो मानुष्टि सदा सचेष्ट माननीय मुख्यमंत्री उन्नयन आरेक सेनापति अरूप विश्वास मंचे स्वागत जानाच्छे माननीय सुब्रत दत्त अल इंडिया फुटबल फेडरेशन सिनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएफए चेयरमैन एवं आईएफए सेक्रेटरी जयदीप मुखर्जी के मंचे स्वागत जानाच्छे तादेर प्रचेष्टा तादेर भूमिका अनस्वीकार्य। था हम लोग खेलते थे मगर स्पॉन्सर नहीं होने के कारण से जो है हमारे फंडिंग का प्रॉब्लम था। प्लेयर आजकल प्रोफेशनल हो गए हैं, जो प्लेयर खेलते हैं उनको पैसा देना पड़ता है और एक टीम जो हमारे स्पॉन्सर जो है हमारे इन्वेस्टर हैं बंकर हिल के माध्यम से जो मैंने 2 साल पहले उनको लाया था उनसे 50-50 रेशियो में हमारा टाइप हुआ है। मैं बंकर हिल का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे क्लब से जुड़े हैं और इसी वजह से आज जो है हमारा फंडिंग का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मगर ऐसा नहीं है, हम लोगों का टारगेट CFL नहीं है, हमारे टारगेट है ISL खेलने के लिए। जो दीदी का भी अभी थोड़ा सा फिराज साहब सुबह 11:30 बजे फ़ोन किए, बॉबी क्लब में पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। दीदी आ नहीं सकी है मगर लाइव स्पीच देंगी, तो हम लोगों ने लाइव स्पीच करवाया और आप लोगों ने देखा होगा कि दीदी का जो है धन्यवाद जनाता हूं जो मॉडर्न को उन्होंने स्पोर्ट्स स्पीड को बढ़ाने के लिए कहा है और मॉडर्न इसी तरीके से खेलते रहे और ISL के लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी है हमारे मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास को और फिराद हकीम साहब को कि फिराद दोनों मिलकर जो है मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को आगे बढ़ाएँ और कैसे स्पॉन्सर लाया जाए जो ISL खेल सकें। সেটা আমাদের আই লিগ খেলতে হবে, আই লিগ মধ্যে আমাকে আগে এগিয়ে যেতে হবে, সেটা ভালো রিপোর্ট রেজাল্ট করব তখনই আমরা ISL খেলতে পারবো। কিন্তু আমরা ধন্যবাদ জানাই আমার মন্ত্রী সাহেব অরূপ বিশ্বাসকে, অরূপ বিশ্বাসবাবু যেরকম বলেছেন আমরা সেভাবে এগোবো আর আমরা চেষ্টা করব ISL খেলার জন্যে। সবারই চাইছে যে আমাদের মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ISL খেলুক। দেখে ইয়ে তো মে নই কহুঙ্গা আমারে ফুল টিম মোহামেডান স্পোর্টিং কে যো ভি এক্সিকিউটিভ কমিটি কে মেম্বার হ্যায় আমারে ট্রাস্টি হ্যায় সারে লোক হম লোক মিলকে এক কমিটি বনা কে সারা প্রোগ্রাম লেতে হ্যায় অর সবকা ইসমে যোগদান হ্যায় অর সব মিলজুল কর হম লোক কাম কর রহে হ্যায় অর हमारे जितने फैंस हैं, फैंस सपोर्टर हैं, उनका भी बहुत ताउन रहा है, उन्होंने भी बहुत कॉपरेट किया है। मैं सब मिलकर एक फैमिली के जैसे हम लोग काम करने का कोशिश है। जान जान मोहन देखिए थोड़ा मसरूफ थे, बिजनेसमैन हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त में से हैं, वो हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। वो वाइस प्रेसिडेंट के हैसियत से हम लोग उनको रखे हैं और वो कमेटी मेंबर हैं। हमारे कोई भी कमेटी मेंबर यदि कोई छोड़ता है या ये सफल हुआ है, कोई छोड़ा नहीं है, हमने छोड़ा, हमने हटा तो मैं कमेटी में था, कमेटी में भी काम किया, बोस अलग चीज़ है और जो मोहब्बत रहती है क्लब से वो अलग चीज़ है। तो हम लोग मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब का एक फुल फैमिली और टीम के तरह है और सब लोग मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। गुलाम अशरफ हमारे टीम के बाहर नहीं है, गुलाम अशरफ हमारे टीम के साथ है। जिस तरीके से ये टीम ने जो ऐतिहासिक खेला है और जो जीत हासिल की है, पूरे टीम को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्लेयर को शुक्रिया अदा करूंगा, थैंक यू बोलूंगा। इसी तरीके से मॉडर्न के लिए खेले और फुल स्पीड रखे, मॉडर्न को आगे ले जाना है। अभी आपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बात सुना, जो प्लेयर ही सारा जो है उस पर ही दरमदार रहता है, ऑफिशियल का, सपोर्टर का, और हम लोग उसको हमेशा उसको आगे बढ़ा के रखना चाहते हैं, कोच का, एक फैमिली जैसा है स्पोर्ट्स स्पीड। स्पोर्ट्स स्पीड को हमें एक फैमिली जैसा रखना चाहिए और आगे जाकर बहुत अच्छा खेले, यही मेरा उनसे ये है।
का जहन बन गया है कि मोहम्मद जो है वो सिर्फ मुसलमानों का अदारा बन गया है, ऐसे लोगों की जहनी की क्या कहेंगे? उनकी जहन खराब है और खराब रहेगी। दीपेंदु बिस्वास हमारा फुटबॉल सेक्रेटरी है, तो ये कौन है? उनको पहले ये समझना होगा, बोलने से पहले, ये कोई मुसलमान का क्लब नहीं है, ये हिंदुस्तान का क्लब है। करता माली का काम है बाग को खुशहाल रखना, उसमें फूल उगाना, उसमें सब्जी उगाना, उसको हरा भरा रखना। तो मैं, हम लोग पूरा टीम मोमडन स्पोर्टिंग का माली का काम कर रहे हैं और हमेशा इंशाल्लाह इसी तरीके से उगते रहेगा, आप फूल देखते रहेंगे और खुशबू लेते रहेंगे, लुप्त लेते रहेंगे। खुशी खबर, खूब खुशी खबर, खूब आनंद खबर। ये बांगलार गर्व, आज के बांगलार गर्व अनुजाई আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে কাজ দেখিয়েছে তার একটা অঙ্গ মোহামডান ক্লাব করে দেখিয়ে দিয়েছে যে শুধু জিনিস পেয়ে না, আজকে বাংলার গৌরব হিসাবে 41 বছর পরে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইভেন মোহনবাগান, ইসমাইল, মোহামডান তিনটে ক্লাবকেই পরিকাঠামো সাজিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। আমি প্লেয়ারদের জন্য একটা কথাই বলবো, মোহামডান ক্লাব প্লেয়ারদের জন্য এগিয়ে আসুক, আমরা মোহামডান ক্লাবের সাথে আছি। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह ही ये मौका दिया है हम लोग को। 40 साल के बाद ये जो प्राइज़ आया हम लोग के पास, CFL आया है, तो इतना दिन का इंतज़ार हम लोग का ख़त्म हुआ। 40 साल से हमारे जितने भी शहदाई थे सब दुख थे, परेशान थे कि हम लोग कैलकटा लीग नहीं जीत पा रहे। 40 साल के बाद ये हम लोग का दुख टूटा है, तो वह बहुत खुशी हो रही है। देखिए, एक क्लब है, क्लब में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ दोनों चलते रहता है। किसी भी इदारे, खाली क्लब नहीं, किसी भी इदारे को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ और नेगेटिव न्यूज़ दोनों रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो नीयत होता है इंसान का। बुखारी शरीफ भी अगर देखेंगे, आप पहली हदीस है कि अमालो बिन नीयत, तो नीयत अल्लाह ताला पूरा सारे जितने भी आपके काम है उसका दारोमदार आपकी नीयत पे ही होता है। अगर नीयत साफ रहेगा तो सब होगा। एक चैंपियनशिप क्या 100 चैंपियनशिप आएगा मोहम्मदन में। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, ये कमेटी कहती है, GS भी कमेटी बनाती है, प्रेसिडेंट भी कमेटी बनाती है, तो ये कमेटी का काम है। हमारा काम ये देखना नहीं है कि कौन GS रहेगा कौन नहीं, हमारा काम यही है कि हम लोग अपनी मंजिल तलाश करते रहेंगे कि अभी CFL जीते हैं, अगला टारगेट हम लोग का IFA शील्ड है, IFA शील्ड के बाद I-League है, तो ये 3 चैंपियनशिप हमारा टारगेट है। उसके बाद हम लोग को अपने क्लब को ISL लेके जाना है, ISL खिलाना है। जनरल सेक्रेटरी कौन बने, प्रेसिडेंट कौन बने, ये टोटली डिपार्टमेंट जो है कमेटी का है। ये हमारा न बस है ना सोच चलाते हैं, हमारा सोच, हमारा मकसद जो है अपनी टीम को शोरा फाक तक पहुंचाना, ये हमारा काम। जो जीत दिलाई है उस टीम को और उस प्लेयर को क्या कहना चाहेंगे? सारे प्लेयर को मुबारकबाद देना चाहेंगे और टीम मोहम्मडन को मुबारकबाद देना चाहेंगे, सारे कमेटी मेम्बर्स को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उनके मेहनत के बिना ये जीत मुकम्मल हो ही नहीं सकता था, ये जीत पा नहीं सकते थे हम लोग। तो प्लेयर सबसे पहले हैं, कोच सबसे पहले हैं, उसके बाद कमेटी मेंबर्स है, इन्वेस्टर्स है। थैंक यू। मेरा पूरा नाम दानिश इकबाल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। दूसरे में माउंटेन के, माउंटेन का 40 साल के बाद जीत, क्या कहेंगे? पहले तो बोल रहा है 40 साल बाद में मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो जीता है, हम लोग के बहुत लोग हम लोग खुश है, क्योंकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग एक बड़ा क्लब है, दीर्घ दिन कोलकाता लीग में खेलता है। 40 ईयर्स बाद में जो किया है बहुत हम लोग खुशी है, हम लोग कहना सब फुटबॉल प्रेमी जिन लोग हैं सब भी खुशी है। खेल में ज़्यादा तवज्जो दी है, बहुत ज़्यादा फोकस दी है, मोहम्मडन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो दीदी है ममता दी, फुटबॉल क्रिकेट सब बढ़ाने के लिए जितना स्पोर्ट्स है बाढ़ के बहुत काम किया है और काम भी करता है, और उन लोग को वो बहुत शुभेच्छा है मोहम्मडन स्पोर्टिंग। आपका आज बर्थडे है तो पूरा बंगाल को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, हमारा बर्थडे ऐसा कोई बड़ा ये नहीं है, हम सब समय यही बोल रहा है कि सब लोग अच्छा रहेंगे, मिलजुल के हम लोग को रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक मैसेज दे दिए, चलिए स्पोर्ट्स प्रेमी के लिए यही बोलेंगे, हम लोग तो स्पोर्ट्स, हम लोग निजे तो स्पोर्ट्स मैन है, हम तो पहले तो फुटबॉल क्रिकेट सभी खेलता है, अभी तो ठीक है, खेलना नहीं टाइम नहीं मिलता है, उम्र भी काम में फंस गया है, उम्र नहीं हुआ अभी।
लवर है स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स लवर, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स जितना स्पोर्ट्स पर्सन है सब लोग यही बोलेंगे जो जितना स्पोर्ट्स होगा वही भी समाज के लिए अच्छा ही होगा। दादा फंड के वजह से कई जो इदारे जो स्पोर्ट्स है वो क्या क्या ठीक है स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप थोड़ा जरा जितना लोग क्लब चलाता है स्पॉन्सरशिप का बात ठीक ही है, बड़ा बड़ा क्लब चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है आ जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से कितना उसको देखते हैं, मेरा सरकार भी तो है फुटबॉल का पैसा, मेरा स्पोर्ट्स बजट कितना बड़ा दिया है दीदी, और दीदी तो सब क्लब को पैसा देता भी है, पिछले साल तो कोई कोई क्लब के कोई गवर्नमेंट इतना पैसा नहीं दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जश्न जो है आज मनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि 40 साल के बाद हम लोग मोहम्मद स्पोर्टिंग में फिर से एक दोबारा जश्न का माहौल है और इंशाल्लाह हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर साल हम लोग इसी तरह अपने क्लब के नाम को रोशन करें और हर साल जितने भी चैम्पियनशिप होती है उसमें हम लोग चैम्पियन हों। टीम के बारे में क्या कहना चाहिए जिस टीम ने जीत दिलाई है? अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत बेहतर है, आपने देखा किस तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्मेंस किया है, आने वाले वक्त में हम लोग सिर्फ CFL तक नहीं हम लोग ISL तक भी जाएंगे। थोड़ा सा मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब में ये रौनक देख के दिल बाग बाग हो गया है, लाइक मैं पिछले 2 सालों से मोहम्मद स्पोर्टिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा मौका मैंने क्लब में अभी तक नहीं देखा था जब मेरे इन दो साल के दौरान, तो आज बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैं मोहम्मद स्पोर्टिंग से बहुत इमोशनली जो अटैच भी हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि हम इन्वेस्टर हैं, हम फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारा क्लब से एक अलग ही एसोसिएशन हो गया था जिस दिन से हम यहाँ आए थे, तो आज इसलिए मेरे लिए बड़ा स्पेशल दिन है कि हम वो रौनक मोहम्मद स्पोर्टिंग में देख पा रहे हैं जो मैंने बहुत सुना है और कि एक हिस्टोरिक क्लब है और बहुत सारे हिस्टोरिक मोमेंट्स रहे हैं, तो आज उनमें से एक और हिस्टोरिक मोमेंट ऐड हो जाता है। मैं उनको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि वही लोग जो है असल क्लब के जो है एसेट्स हैं, क्योंकि उन्होंने क्लब को नहीं छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने क्लब को छोड़ दिया लेकिन उन्होंने क्लब को नहीं छोड़ा, ये बहुत खुशी की बात है, तो ये मॉडर्न के शिदाई के लिए बहुत खुशी की बात है। आज मुंबई स्पोर्टिंग की जो नई तश्कील हुई है जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, नई तश्कील मतलब टीम की नई तश्कील हुई है, तश्कील है पहले जी, लेकिन अब तश्कील हुई है जी, मुंबई स्पोर्टिंग क्लब को सूखा जा रहा है। देखिए तमाम लोग जितने भी यहाँ के जो कॉमेडी के लोग हैं ये लोग तो एक माली की तरह ही काम कर रहे हैं और बिल्कुल जो है दिलो जान से हर तरह से जान से माल से ये जो है क्लब के लिए करते हैं और चाहते हैं कि माली जो होता है वो हमेशा चाहता है कि जो फल जो आए वो सबसे बेहतरीन फल उसके हाथों का हो, तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब जो आने वाले दिनों में ISL चैम्पियन हो और हिंदुस्तान के नंबर एक टीम में शुमार हो, ये हम लोगों की ख्वाहिश है। और जैसे कि मोदी साहब से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि कुछ फंड की कमी थी लेकिन अब वो फंड जो है फुलफिल हो जाएगी, तो क्या लगता है कि वाकई में फुलफिल हो जाएगी? यकीनी बात है, आप जब क्लब परफॉर्मेंस दे रही है, क्लब आप देख रहे हैं दिन ब दिन पॉपुलर हो रही है और इस साल स्पॉन्सरशिप तो ही है, बंकर हिल तो स्पॉन्सर है ही है, बंकर हिल तो स्पॉन्सर है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी बड़े बड़े स्पॉन्सर आए, क्योंकि देखिए ये तो शुरुआत है, आज देखिए स्पॉन्सरशिप ये लोग स्पॉन्सर नहीं, ये लोग इन्वेस्टर है, ये लोग जो है प्रोफेशनल काम करते हैं क्लब को आगे ले जाने के लिए, पूरा प्लानिंग करते हैं इनका ताकि आगे चल के लोग बड़े बड़े जो है कॉरपोरेट जो है क्लब से जुड़े, तो आज आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान है, मतलब हिंदुस्तान में आप भी और आप भी मॉडर्न के शिदाई हैं, 40 साल के बाद जितना ज़्यादा जो है हाईलाइट मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब को 2021 में मिली है, 2020-21 में मैं समझता हूँ पिछले 40 साल में इतना हाईलाइट नहीं मिली थी, ये बहुत खुशी की बात है। कैसे मना रहे बताएं जीत की जश्न कैसे मना रहे, ये तो काफ़ी कड़क एक सवाल है। जीत का जश्न आगे का चुनौती के हिसाब से मना रहे क्योंकि आज ये जीत के बाद हम लोग को उम्मीद है कि मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब ISL खेलेंगे और जीतेंगे, तो हमारा जश्न जो है काफ़ी मेहनत के साथ होगी ताकि ISL खेल सके। यहाँ पे जीत का जश्न जो देखा जा रहा है वो गजल के साथ वजह कुछ नहीं, प्लेयर्स लोग आपका हमेशा जो प्रैक्टिसिंग पे रहता है हमेशा वो काफ़ी मेहनत पे रहता है, तो उनको रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा ये गजल का ये किया गया, इंतजाम किया गया। और जिस तरीके से जी हाँ एक 144 में ही दिखूंगा अगर मेरा वक्त और सारा कुछ अगर ठीक ठाक रहा, नहीं तो आपको सेंट्रल कोलकाता में हर जगह मैं दिख जाऊंगा। मैं पूरा आवाम के लिए एक ही बात बोलूंगा कि
ये हमारा 1940 साल में जब देश आज़ाद हुआ था तो शुरुआत आंदोलन का यहाँ से हुआ था और हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वैसे ही 40 साल बाद मोहन स्पोर्टिंग क्लब जो जीते हैं और ISL भी खेल के हम बोलेंगे कि हम लोग को रिकॉर्ड ब्रेक करिए और बंगाल को फिर रिप्रेजेंट करिए पूरा हिंदुस्तान में। दो लाइन जागोरे 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 बंगला जागोरे बंगलार बुकते आसचे बंगलार में जागोरे 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 बंगला जागोरे बंगलार बुकते आबार फिरचे बंगलार में लोरचे कारा मोरचे कारा बोलची आमरा करबो विश्व बांग्ला। इतिहास में 40 साल के बाद ये खुशी मिली है, हालांकि ये खुशी बहुत पहले मिलनी चाहिए थी लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आज हम इसे झूमकर बड़े खुशी से मना रहे हैं और आप देख सकते हैं इंसान में, लोगों में, एक्स प्लेयर में, मैनेजमेंट में कितनी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह ये हमारा टारगेट रहेगा, हमारा प्लेयरों का टारगेट रहेगा, मैनेजमेंट का टारगेट रहेगा। और जैसे हमारे बॉबी दा और विश्वास ने वादा किया है कि आने वाले दिन में मैदान के बारे में देखेंगे और हर साल ये मोहन स्पोर्टिंग मैनेजमेंट और प्लेयर और ऑफिशियल की टारगेट रहेगी कि एक ट्रॉफी क्लब को दिखाएं और पब्लिक और दर्शकों में और सपोर्टरों में ये जोश कायम रखें, क्योंकि ये मोहन स्पोर्टिंग एक ऐसा ही हिस्ट्री है मुसलमान के लिए क्लब है हिंदुस्तान में कि जहाँ भी जाइएगा ये मोहन स्पोर्टिंग क्लब पूरे हिंदुस्तान मुसलमान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज के डेट में इस कौम इस क्लब में हर ही कौम के प्लेयर खेलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं रही है। तो बस हम इस क्लब को और आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह ये हमारी इल्तिजा है क्लब मैनेजमेंट और कमेटी से और सरकार से कि क्लब को जितना हो सके अपना ताउन दे और सपोर्ट करे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मोहन स्पोर्टिंग क्लब एक मुसलमान क्लब अदारा का नाम है तो मुसलमान अदारा का नाम होने की वजह से मुसलमान इससे ज़्यादा मुअत्तसिर है और मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब एक मुसलमान क्लब है और मुसलमान क्लब को मुसलमानी लोगों को रिप्रेजेंट करती है। जहाँ भी मूल जैसे दिल्ली चलेगा डूरन क्लब में, बोलन चलेगा रोवर्स क्लब में तो मुसलमान उमड़ के आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तरफ से जैसे तीन क्लब बड़ों क्लबों में बंगाल की एक भी ये बड़ी क्लब है। देखिए बहुत खुशी का बात है कि 41 साल के बाद मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब कलकत्ता फुटबॉल लीग चैंपियन हुई है। मैं तमाम जितने भी ऑफिशियल हैं, प्लेयर हैं, कोच हैं, सपोर्टर हैं, डोनर्स हैं, इन्वेस्टर हैं और बहुत बहुत पुराने लोग जो आज हमारे बीच में हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों के ताउन के बगैर शायद आज ये चीज़ मुमकिन नहीं होता। जनाब सुल्तान अहमद से लेकर जितने लोग हमारे क्लब में आज तक जुड़े थे, चाहे वो मेंबर हो, लाइफ मेंबर हो, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके बगैर शायद मोहन स्पोर्टिंग क्लब जो मुकाम में आज है ये मुकाम में शायद नहीं पहुँच पाती। और जो अमीरुद्दीन बॉबी साहब प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी दानिश इकबाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब समरुद्दीन साहब, ट्रेजरर में हम सारे तमाम ने मिल के काम करके मोहन स्पोर्टिंग को एक अच्छा टीम बनाने में मदद किया और इंशाल्लाह आने वाले दिन में मोहन स्पोर्टिंग क्लब एक बुलंदी तक से पहुँची। देखिए ये उनका अपना पर्सनल मामला है, वो क्लब के ऑफिशियल सारी फाइनेंस सेक्रेटरी है और डॉक्टर ताहा अहमद अभी यहाँ नहीं है, फरहान अहमद नहीं है, तो ये उनका पर्सनल मामला है, किसी वजह से नहीं आ पाएंगे, तो इस बात को समय ज़्यादा कुछ नहीं कहता। सबसे पुराने क्लबों में से एक क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, जो 100 से ज़ायद पुराने जो है ये कंपनी, ये क्लब है और 40 साल बाद आज मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब CFL जो है चैम्पियन हुआ है। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक और बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का मामला है। आज उसके लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग ग्राउंड में हम लोग आज मौजूद हैं, जो ऐतिहासिक ग्राउंड है मोहम्मदन स्पोर्टिंग ग्राउंड, कलकत्ता के पुराने ग्राउंड्स में से और पुराने क्लब्स में से, जैसे ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ये सब ऐसे क्लब्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और 40 साल बाद चूँकि मोहन स्पोर्टिंग क्लब बहुत ऐसे दौर से गुजरा है कि कई बार जो है वो अच्छी टीम नहीं बनी, इस बार बहुत शानदार टीम, बहुत अच्छा वो खेल का प्रदर्शन हुआ और इस बार CFL चैंपियन हुआ। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहन स्पोर्टिंग क्लब की टीम
उसकी पूरी जो कमेटी है उसको और सबों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शादाइयों को भी साथ साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी टीम जो है वो नामुकम्मल है शादाइयों के खिलाफ। तो बहुत बहुत मुबारक हो। पहले जो है ना, इस मिट्टी से हम लोगों का बहुत बचपन का रिश्ता है और 7-8 साल की उम्र से हम लोग यहाँ फुटबॉल खेलने आते थे। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का कोई भी खेल होता था जो छोड़ते नहीं थे। आज इस मैदान में आके मुझे बचपन याद आ रहा है और 40 साल के बाद जो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब चैंपियन हुई है, मैं इसके लिए क्लब के तमाम जिम्मेदारों को, प्लेयर को और शैदाइयों को, इसको ताउन करने वाले, इसके लिए दुआएं करने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हर साल चैंपियन बने और बंगाल का नाम रोशन करे।